नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा टियागो के XZ मॉडल में। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ यहां पर बैजिंग दी हुई है XZ मॉडल में, जो आपको व्हील कवर्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके की डिज़ाइन वाले। ये कैसे हैं, क्या आप इन्हें लोअर वाले वेरियंट में लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है वगैरह वगैरह, जितने भी आपके सारे सवाल हैं वो इस वाले वीडियो में आंसर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप गाड़ी की साइड लुक देखिए कि इन व्हील्स कवर के साथ कैसी लगती है, एकदम मस्त लगती है। और इनकी खास बात यह है कि भाई पहली नज़र में आप अगर इन्हें पास से भी देखेंगे तो जज नहीं कर पाएंगे कि भाई ये अलॉय व्हील्स हैं या स्टील व्हील्स हैं। मतलब कि अलॉय या स्टील दो ही टाइप के आजकल की गाड़ियों में आपको रिम्स देखने को मिल जाते हैं, और ये एक्चुअल में स्टील रिम होने के बावजूद अलॉय व्हील जो कि सबसे ज़्यादा अपनी डिज़ाइन के लिए फेमस है उनकी लुक प्रोवाइड आपको ये वाले व्हील कवर्स करवाते हैं। तो मतलब ओवरऑल टाटा ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा करके इसकी रिम और ये व्हील कवर बनाए हैं। कैसी मतलब इसकी रिम दिखती है वो मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो भाई जब आप व्हील कवर्स को निकाल देंगे तो कुछ इस तरीके की दिखती है भाई टाटा टियागो XZ में रिम। देख सकते हैं 4 स्पोक के साथ आपको देखने को मिलती है। और नॉर्मल गाड़ी में अगर आप देखते हैं कि आपको कैसी रिम देखने को मिलती है, तो एक बार स्टेपनी का टायर आपको दिखा दूं। नॉर्मल मीन्स XE XT वेरियंट में अगर आप रिम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन वाली आपको रिम देखने को मिल जाती है। अब इस वाली रिम का फ़ायदा इस वेरिएंट में क्या होता है वो अब मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक व्हील कवर निकाला हुआ है। सबसे पहले तो आप इसकी ऊपर से नीचे तक पूरी एक अच्छी सी लुक लें। बीच बीच में आपको ब्लैक फिनिश में और सिल्वर कलर में ये पूरा दिया हुआ है। ये जो स्क्रेचेस आप देख पा रहे हैं ये मेरे ही हाथों, मतलब एक्चुअली क्या है कि जब गाड़ी का टायर पंचर वंचर होता है ना, तो ये चारों नट जो भी हैं आपके ये वाले, ये आपके व्हील कवर लगे लगे ही खुल जाते हैं। तो टायर बाहर निकाला मैंने और रगड़ दिया था उसको, थोड़ा सा नीचे से घसीट दिया था, तो उस कारण ये स्क्रेचेस आ गए हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रगड़ा था, पटका था, लेकिन इनमें कोई एक मतलब टूटने वूटने का जो डर है वो नहीं है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी है इनकी। और जैसे मतलब ये चार आपको दिख रहे होंगे इसके स्पोक, ये जैसे ये इन चारों खाँचों में, ये अपने लगनट के खाँचों में यहाँ पर ये फिट होते हैं, तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जस्ट इसके ऊपर जाकर के बैठता है। ऐसा नहीं कि ये वाली जो बीच वाली गैप है इनमें जाकर के बैठ जाए। तो उस कारण से क्या है, पूरे पूरे आपको ये वाले व्हील कवर्स अलॉय व्हील्स की लुक देते हैं। अंदर की तरफ से ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक जो आपको अलॉय व्हील्स में से दिखते हैं वो क्लियरली इसमें से भी विजिबल होते हैं। और आपको फ़ायदा ये है कि भाई आप मतलब थोड़ा सा जो स्टील रिम की जो रिजिडिटी है वो आपकी गाड़ी में बरकरार रहती है। पिकअप की अगर बात करूँ तो XZ प्लस में जो अलॉय व्हील्स आते हैं उनके साथ और ये जो स्टील रिम आते हैं उसके साथ आपको बराबर ही परफॉर्मेंस गाड़ी में देखने को मिलेगी, कोई खास नहीं है। मेरे हिसाब से ओनली एक जो लुक का फ़र्क है वो ही निकल के आता है, तो वो आपको स्टील रिम भी ये इस वाले व्हील कवर के साथ प्रोवाइड करा देते हैं। तो मतलब भाई जो अलॉय व्हील्स हैं, अगर केवल आप उनके लिए इससे ऊपर वाला वेरिएंट XZ प्लस अगर टाटा टियागो का लेना चाहते हैं तो कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देते हैं। और एक क्वेश्चन ये कि भाई अगर आप लोअर वेरिएंट में इन्हें लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं या नहीं, तो आपको टाटा टियागो में 13 इंच और 14 इंच दो टाइप के जो व्हील साइज़ है उनका ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये वाले जो व्हील कवर्स हैं ये पर्टिकुलर, ये जो 14 इंच वाला आपको जो टायर देखने को मिलता है, जो व्हील साइज़ देखने को मिलता है उसके लिए बना हुआ है। तो अगर आप मतलब XE और XT वेरिएंट में अगर 14 इंच के टायर हैं, मुझे अभी श्योर नहीं, तो आप ज़रूर इनको लगवा सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं करेंगे जितनी इस वाली रिम में प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब एक नॉर्मल साइज का जो नॉर्मल डिज़ाइन का जो व्हील कवर देखने को मिलता है वही उसमें लग पाएगा और उसी को लगा लेना चाहिए। फालतू ये जो आपको इतने महंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी की तरफ से ही देखने को मिलते हैं, बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और ये वाले व्हील कवर आप अगर लगवाना चाहेंगे तो बड़े ऑड से लगेंगे, तो नॉर्मल डिज़ाइन के व्हील कवर लगवाएं। अगर 14 इंच का टायर साइज़ है और कुछ इस तरीके की रिम आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अगर आप जाना चाहें अलॉय व्हील्स के लिए केवल, तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये भी अलॉय व्हील की लुक प्रोवाइड करा देते हैं, बस वो थोड़ा सा एग्जिट प्लस में डायमंड कट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। रिजिडिटी की बात करूँ तो भाई कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आता, स्क्रैच तो मतलब आया है अगर बहुत ज़्यादा घिसने में, लेकिन नॉर्मल यूज़ में अगर जैसे इन टायरों को आप देखें बाकी को, तो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई टूटा फाटी का झंझट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कुछ कि चलती गाड़ी में से निकल के ये भाग रहे हैं। मैं गाड़ी को 120 130 पे भी चलाता हूँ, कई बार स्लो भी चलाता हूँ, ऑफ रोड भी किया है, किसी भी कंडीशन में जो अपने जो व्हील कवर्स हैं वो निकल के भागते नहीं है। इससे पहले भी मतलब बहुत सारी गाड़ियों में देखने को मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा दचके वगैरह या ऑफ रोड में गाड़ी चलती है तो जो व्हील कवर हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण या पता नहीं किस कारण से निकल के भाग जाते हैं। तो ऐसी भी कोई समस्या इस वाली गाड़ी में या इन व्हील्स कवर के साथ मुझे देखने को नहीं मिली। तो भाई ये थी कुछ बातें टाटा टियागो के व्हील कवर्स को लेकर के। एक्सेड मॉडल में आपको जो व्हील कवर्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में मैंने लगभग जितना भी सवाल मेरे पास अभी तक कमेंट बॉक्स में आए वो सारे आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। और यदि आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अगर मैं जवाब ना दे पाऊँ तो पर्सनली मुझसे अगर आप बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM भी कर सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।